हमारी आंखें सदगुरु की दिव्य ज्योति को न देख पाएं तो कसूर आंख का है। एक बौद्ध भिक्षु संतत्व को उपलब्ध हुए, उनका नियम था उनके मठ का कि सूर्यास्त से पहले पहले रात का खाना खा लेना है, कोई भी सूर्यास्त के बाद रोटी नहीं खाएगा। दोपहर का खाना भी जल्दी खा लेना है, शाम रात का सूर्यास्त से पहले, और सबको साथ में खाना है, कोई अपने कमरे में बैठ के नहीं खाएगा। अब उस मठ के जो गुरु मुख्य थे, गुरु स्वयं देर से और अपनी कुटिया में अपने कमरे में बैठ के खाते थे। तो जो प्रेमी शिष्य थे वो तो ऐसा नहीं सोचते थे कुछ, पर एक दो ऐसे थे कि नियम तो है सब साथ में खाएं सामूहिक, और गुरुजी खुद कमरे में बैठ के खाते हैं अलग से। तो उस नगर का जो राजा था वो भी उस मठ में आता था और मानता था। राजा को संदेह हुआ, बाहर से बड़ा था पर अंदर से बहुत शुद्रमति का था, जिसके अंदर अपने सदगुरु के प्रति ही संदेह पैदा हो जाए वो बड़ा होते हुए भी बहुत क्षुद्र प्राणी है। कौशल्या माता कैसी महान थी, दशरथ राजा चल बसे और वशिष्ठ जी के प्रति जरा भी संदेह नहीं आए कि इतने बड़े गुरु समर्थ वशिष्ठ जी, फिर भी मुझे विधवा होना पड़ा, ऐसा विचार कौशल्या माता को नहीं आया, क्योंकि कौशल्या माता महानतम है। दशरथ राजा की श्रद्धा देखो, उन्होंने ही वशिष्ठ जी से पूछा था कि राम जी का राज्याभिषेक कब करूं, तो वशिष्ठ जी ने कहा जब करोगे तब सारे शुभ मुहूर्त आकर उपस्थित हो जाएंगे, कर दो। और राम वनवास हो गया तो दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि आप तो कहते थे कर दो सारे शुभ मुहूर्त आकर उपस्थित हो जाएंगे, तो ये तो राम वनवास हो गया, दशरथ जी ने शिकायत की। शिकायती चित्त अध्यात्म मार्ग में प्रवेश का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि दशरथ राजा की श्रद्धा सात्विक थी गुरु के प्रति, विचार युक्त की श्रद्धा थी। जिसकी श्रद्धा सात्विक और विचार युक्त की होती है वो डोलता नहीं है, स्थिर होता है, उसकी गुरु में आस्था स्थिर होती है और उसकी स्थिर आस्था उसे ऊंचाइयों पे ले जाती है। जिसके लिए ये जीवन मिला था, तो राजा को हुआ कि जरूर छिपकर बढ़िया आइटम खाते होंगे, कोई अच्छे व्यंजन खाते होंगे, यहां सब तो सादा खाना खाते हैं, जरूर कुछ है। तो रात को राजा और उनके साथ एक आदमी गुरु जी के कुटीर के पीछे छुप गए, देखने के लिए कि अंदर कितने बजे और क्या खाते हैं। दीवार में एक सुराख कर दिया ताकि उसमें से देख सकें कि क्या खाते हैं और अंदर रात को क्या करते हैं, कैसे मूड लोग हैं, गुरु क्या करते हैं, उधर नजर है, तेरा अंतःकरण इतना गुरु के प्रति संशय कर रहा है, गलत विचार कर रहा है, उधर तेरी नजर क्यों नहीं है। अपने दोष के प्रति कई लोग कितने अंधे हो जाते हैं। तो गुरु की कुटीर में सुराख कर दिया और वहां से देखने लगे कि गुरु क्या खाते हैं। समय हुआ, गुरुजी अपने पात्र को कपड़े से ढक कर ले आए कुटिया के अंदर और वो सुराख में से देखने को बैठा है आतुर। होना चाहिए राम काज करिवे को आतुर, पर ये गुरु में संशय को आतुर है। तो सुराख में से
वो तैयार है देखने को कि ये आए गुरुजी, अब क्या खाते हैं वो देखते हैं। पर गुरुजी भी गुरुजी थे, वो सुराख के तरफ पीठ करके बैठ गए, देखता रह तू अब। राजा था ना, उसको भी अपने पद का मद था। अभिमानी आदमी वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं। राजा दरवाजे को धक्के से तोड़कर, कच्ची कुटिया थी, धक्के से तोड़ दिया। अंदर आए गुरुजी ने अपने बर्तन पर फिर कपड़ा ढक दिया। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, बिना देखे नहीं जाऊंगा, बर्तन पर से कपड़ा हटाओ, क्या खाते हो ये मुझे देखना है। गुरु ने कहा नहीं हटाऊं, बोले नहीं हटाना पड़ेगा, नहीं मैं गुरु हूं, तू गुरु की बात काटेगा, तेरे देखने योग्य कुछ भी नहीं है इसमें। बोले नहीं मुझे देखना है। अड़ियल स्वभाव के लोग, उनका सुधरना बड़ा मुश्किल होता है। शठ सुधरहीं सत्संग तिपाई, राजा ने कहा मैं देखे बिना नहीं जाऊं। गुरु बोले तेरे देखने योग्य कुछ नहीं है, तो शंका और बढ़ गई। ये नहीं कि गुरुजी कह रहे मान ले, नहीं मैं तो देखे बिना नहीं जाऊंगा। गुरु ने कहा मैं नहीं मानेगा, बोले नहीं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कपड़ा हटा दे चल। अब तो राजा को हुआ कि अब पकड़े गए ना रंगे हाथ, इसीलिए अब कहते तू खुद हटा ले। पर राजा ने जब वस्त्र हटाया उस पात्र पर से, तो अंदर कोई मिठाइयाँ नहीं थी, कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ें नहीं थी, कोई लड्डू पेड़े बर्फी आदि कुछ भी नहीं था। अंदर सब्जियों के सूखे पत्ते और कुछ वो डंडियाँ, जो जैसे धनिया का अपन पत्ता ले लें और डंडी छोड़ दें, पालक के पत्ते ले लें और डंडी छोड़ दें, ऐसे कुछ डंडियाँ थी पालक की, धनिया की और कुछ सब्जी के पत्ते, वो धो के रखे हुए थे उस पात्र में। राजा ने कहा ये क्या? बोले बस मेरा यही आहार है, रात को मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भूख मिटाने के लिए यही खा लेता हूँ, यहाँ दूध की सुविधा नहीं तो इसी से पेट भर लेता हूँ। तुझे लगा कि मैं कुछ अलग से विशेष व्यंजन बना के खाता हूँगा। राजा को बहुत पछतावा हुआ, गुरु के चरणों में गिर पड़ा। मौसम तो ठंडा था, सर्दी के दिन थे, पर फिर भी राजा को खूब पसीना पसीना आ गया कि मैंने गुरु के प्रति शंका की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मैं गुरु के प्रति मन में संशय की चिंगारी रखे हुए था। संदेह मन में रखना ये रुई के ढेर के नीचे आग की चिंगारी रखने के समान है, उससे आदमी को विनाश के सिवाय और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विवेकी साधक वो अपने संशय पर संशय करते हैं, गुरु पर नहीं करते। अपने मन में कुछ संशय आया तो उस पे संशय करना चाहिए ना कि मैं गलत हूँ। जैसे गरुड़ जी को राम जी के दर्शन करके संशय हो गया कि नागपाश में बंद गए वो हमको क्या छुड़ाएंगे, पर गरुड़ जी की कितनी महिमा है, प्रणाम है भगवान के वाहन गरुड़ जी को,
विनता के बेटे गरुड़। विनता माता के दो बेटे थे, एक गरुड़ एक अरुण। कैसी महान माता के दो ऐसे प्यारे बच्चे जन्म दिए, गरुड़ और अरुण। अरुण बने सारथी सूर्य भगवान के, अरुणी माँ जो सुबह सुबह आकाश में दिखती ना, पूरव में लाली माँ, ये समझो विनता के पुत्र अरुण आगे आगे आकाश में नहीं, सुबह सुबह कैसी लाली माँ सूर्योदय से पहले, ये समझो अरुणोदय अरुण विनता के बेटे। और विनता जी का दूसरा बेटा गरुड़, एक सूर्य भगवान का वाहन और एक विष्णु भगवान का वाहन। माँ बेटे को जन्म दे तो ऐसा बेटा कि बेटा कोई गरुड़ बने कोई अरुण बने।